ट मोमेंटम पॉडकास्टे माई गेस्ट इज महमद्राफर एंडमदी कैसे है आप अलह आप सुना आपकी तबियत कैसी है बस अलहमदुल्ला सब ठीक ठाक है सब खैरियत से है और आपको पता आज तो मैं काम पे था नाइट शिफ्ट करके आया थोड़ी देर रेस्ट किया रेस्ट करने के बाद बस अब आज में लगा हुआ हूँ दो दो पॉडकास्ट पहले मैंने किए हैं अभी तीसरा ये आपके साथ आज है good, good. तो आप oh. सबसे पहले तो अपने बारे में बताएं कि मतलब आप कहाँ से किस तरह से आपका शुरुआत हुआ या कॉलेज वगैरह में जो आप जो है आपने फोटोग्राफी का इंटरेस्ट आपको वहाँ से आया तो फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज़ मोहम्मद बलोच मैं कराची बेस्ड फोटोग्राफर हूँ जी मैंने अपनी फोटोग्राफी का स्टार्ट टू में किया जब मेरे पास एक मोबाइल भी नहीं था ना ही कैमरा ना ही मोबाइल तो घर में जो मोबाइल रखा हुआ होता था मैंने वही उठाया फोटोग्राफी करने के लिए यहाँ पे जो चौदह अगस्त में होता है ना सेलिब्रेट आजादी मनाने के लिए तो उसी वक्त जो झंडिया लगाते हैं घर के ऊपर ना जो आटे के साथ लगाते हैं तो मैंने वहां पे ये किया कि एक झंडी को फोकस किया बाकी सारे ब्लर किए तो मेरा इंटरेस्ट वहां से उठा लोग वहां पे मैंने ये पिक्चर्स ली फेसबुक में अपलोड की लोग अप्रिशिएट करने लगे मुझे तो मैं इस फील्ड के अंदर किसी को देख के नहीं आया कि यार ये फोटोग्राफी कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ ये चीज मैंने खुद के अंदर ये चीज पाई तो मैंने ये चीज ज्वाइन किया फोटोग्राफी फील्ड को सेलेक्ट किया अपने लिए तो इसी के साथ ये चीज स्टार्ट हुई मेरे लाइफ के अंदर फोटोग्राफी जर्नी मैंने एक J2, J2 से पहला क्लिक किया था फिर स्लोली स्लोली ये मैंने अपने नाइन्थ में किया था End of nine, उसी end of था, उसी वक्त मैंने ये शुरू की थी उसके बाद ये चलता रहा 2016 से अब 2020 टी चल रहा है तो ये आपकी हॉबी है या आप काम भी करते हैं कहीं पर जैसे आपका प्रोफेशन कुछ और है नहीं मेरा पैशन, ये स्टार्ट में मैंने पैशन लिया था ताकि ये मैं अपने पैशन के तौर पे करूं एक शौक होता है वो खत्म हो जाता है और जुनून हमेशा इंसान के अंदर रह जाता है तो मैंने ये अपने फितरत के अंदर डाल दिया कि ये चीज़ करनी है क्योंकि मैं तो, मैं तो मैंने स्टार्ट में मैं पैशन लेके चलता था लेकिन अब ये मेरा प्रोफेशन बन चुका है मैं इससे अर्निंग भी कर रहा हूँ काफी अच्छा और ये सब रब की मेहरबानी और मेरे बड़ों की दुआएं हैं बेशक बेशक दुआएं तो इंसान के साथ होती है तभी इंसान तो यानी जब आपने शुरुआत की थी तो आपने स्क्रैच से आपका प्रोफेशन बना तो जैसे लोगो जैसे मतलब कोई एज ए न्यूज स्टार्टर होता है आज कल के दौर में देख ले आप वो तो यही कहते वो यही सोचते है कि भाई आपके पास व्यूअर होने चाहिए और YouTube में लॉन्च हो या फिर Instagram पे कहीं पे लोगों को क्विक रिजल्ट चाहिए जैसे आपने तो चार साल लगाया आपकी जर्नी में मुझे ही नहीं पता कि आप किन-किन चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ा असल में एक्चुअली मसला ही सारा न्यू जनरेशन को यही है ये हाथ के हाथ काम चाहते हैं कि अगर हम आज स्टार्ट कर रहे हैं तो नेक्स्ट डे हमें इसका रिजल्ट मिले असल में आजकल की जो जनरेशन है वो ज्यादातर शोहरत पसंद है कि हमें शोहरत मिले इज्जत के पीछे कोई नहीं भाग रहा तो शोहरत दो दिन के बन चुके हैं हर किसी को मिल रही है शोहरत और दूसरे दिन गायब है इज्जत कोई कमाना ही नहीं चाहता तो इसके लिए अगर आपको कोई फील्ड सेलेक्ट करना अगर आप देखा देखी में आ रहे हैं कि यार ये कर रहा है इसको इज्जत मिली इस फील्ड से और अगर आप सिर्फ ये देखेंगे कि यार ये शायद कुछ लोग होते हैं कि ना वो अब मुझे आके कोई देखता है ना कि यार इसके पास इतने फॉलोअर्स हैं ये इतना काम कर रहा है शायद इसको एक ही रात में मिला है आपने उसी रात फॉलो किया है मैं पिछले चार सालों से मेहनत करता हुआ आ रहा हूं। मैं हर दिन हर लम्हे मेहनत करता हुआ आ रहा हूं इस फील्ड के ऊपर तो क्विक रिजल्ट कहीं नहीं मिलेगा इसके लिए आपको सबसे पहले दो चीजें अपनानी होंगी सबर और यकीन ये दोनों चीजें होंगी किसी भी फील्ड में तो कामयाबी आपका मुकदर है बेशक इस चीज में कोई शक नहीं है क्योंकि अब आप देखो जैसे कंपैरिजन होते कंपैरिजन और क्रिटिसिज्म तो हर चीज का होता है जी जी बिल्कुल मुझे मुझे मेरे दोस्त ने ये कंपैरिजन किया कि देखो पॉडकास्टिंग बेसिकली है एक लाइव कन्वर्सेशन जहां पर आ, लोग जो है डिस्कशन एक्सचेंज करते हैं तो वो वो मुझे दे ये कह रहा था वो मुझे ये कहने लगा कि भाई आ, भाई तुम्हारा पॉडकास्ट है कोई लोग हंसते हैं कुछ करते हैं लेकिन मैं व्यूज को नहीं देखता मैं अपने विजन को देखता, देखता हूँ कि कहा कहां पे मैं जाके रुकूंगा तो ये एक दिन का काम तो है नहीं इसीलिए मैंने अपने आपको कम से कम दो या तीन साल दिया है कि दो तीन साल के बाद देखेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा हाँ क्विक रिजल्ट भी मिल जाता है लेकिन वो हर एक को नहीं मिलता वो लक की बात आ, आ जाती है फिर उसके पीछे भी लक नहीं होता असल में हम क्विक रिजल्ट उन्हीं लोगों का देखते हैं जो हम उसी रात देखे हुए होते हैं कि यार देखो इसका एक वीडियो वायरल हो गया और ये अब सेलिब्रिटी बन चुका है एक्चुअली में भी उसके पीछे एक मेहनत चलती हुई आती है उस इंसान की और अगर हम उस इंसान को के ना क्या हुआ, तो फिर वो बताएगा कि मैं कहां-कहां से गुजर के यहां तक बेशक, तो लोग 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 ये नहीं देखते। लो को नहीं देखते, फाइनल यही... प्रोड़क, प्रोड़क को देखते, प्रोसेस तो uh, को जिनको फॉलो करता हूँ वी और वी का नाम शायद ही आपने सुना होगा हुँ? तो वो एक अठारह uh, साल वो जो है अठारह घंटे काम करके आज उन्होंने अपना नाम बनाया स्टार्ट उन्होंने बहुत जल्दी कर लिया था लेकिन अठारह साल इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम सो इसी तरह से बहुत बड़ी स्ट्रगल है हाँ तो ये बात है यानी आपको किसी भी काम करने में यूट्यूब तो आप इतना सेचुरेटेड हो चुका है कि आप उसमें अगर एक दिन में दाखिल होंगे तो यू हैव टू हैव पेशेंस टू ग्रो योर चैनल और दूसरी जगह सॉरी दूसरी जगह ये कि लोग आपको देखते हैं भाई हाँ आपके कितने व्यूअर्स हैं वो ये नहीं देखते कि आप एक अच्छे इंसान हो कुछ अच्छा स्टार्ट करने जा रहे हो वो उसमें नहीं आ, कितने व्यूअर्स हैं हाँ, भाई इस बंदे के व्यूअर हैं मैं क्यों करूं ये भी चीज सामने आती है लेकिन नो प्रॉब्लम एट ऑल मैं क्रिटिसिज्म मैं जी जी मैंने अपना कंसेप्ट रखा है कि ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ चाहे वो क्लीनर हो या सीईओ कुछ भी हो नो no प्रॉब्लम आज मुझे मैंने कहीं से स्टार्ट किया है किसी ने भी कहीं से स्टार्ट किया होगा तो वो कामयाबी की तरफ इंसान चलता है तो बिल्कुल, बिल्कुल। आपसे मैं पूछना ये चाहता हूं कि आप जैसे आपने बताया ना अभी के जो आपने फोटोग्राफी की थी जैसे आपने जो आजादी का था तो आपको कैसे पता लगता है कि भाई ये परफेक्ट मैं फोटो लू और इसको मैं पोस्ट करूं तो ये सही होगा ये आप अपने अंदाजे से करते हो या किस तरह से आपको पता चलता है स्टार्टअप पे तो ऐसा था कि मुझे कोई शाउर नहीं था इस काम के अंदर कि क्या करना है किस तरीके से करना था लेकिन बस मैंने स्टार्ट किया कोई पिक्चर क्लिक कर रहा हूं तो उसका नहीं कोई सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट नहीं कलर्स परफेक्ट कुछ भी नहीं लेकिन बस करना था क्योंकि ये मैं खुद को देख कर आया था मैं किसी और को देख कर नहीं आया था कि मुझे ये करना है और ये ऐसा फील्ड है जिसके अंदर आपको प्रैक्टिस जरूरी है लर्निंग और प्रैक्टिस बोथ अगर ये चीजें नहीं है तो आप इस फील्ड से किसी चीज को उम्मीद ना रखें आजकल यही सारे सोचते हैं कि हम कैमरा लेंगे वेडिंग ज्वाइन करेंगे और हम काम निकाल लेंगे पैसे निकाल लेंगे ये फिर दो दिन का शौक है आप तीसरे दिन ये सब चीजें छोड़ देंगे बिल्कुल इसका आ... बहुत बड़ा प्रोसेस है हाँ कंसिस्टेंटी कंसिस्टेंसी किसी भी चीज में तो वो तो बहुत आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है आप घिरते हो बढ़ते हो किसी दिन आपको यार क्या मुझे पैसे नहीं आ रहे या मेरे पोस्टिंग पे कोई वो नहीं देख रहा तो आई मीन इट्स टेक टाइम या सो और uh, जस, और जस्ट uh, यानी आप सॉफ्टवेयर वगैरह यूज करते हो या आप कैमरास जो यूज करते हो वो बिल्कुल ही अलग होते हैं या कोई आपका अपना पर्सनल इक्विपमेंट जो है आप उसको जो समझते हो कि ये बेटर है या कैमरा फोन से करते हो कैसे आप करते हो मेरे मैं स्टार्ट में मैं मोबाइल से करता था अभी भी बीच भी बीच भी में जो शॉक्स मुझे मोबाइल से अच्छे लगते हैं वो मैं क्लिक करता हूँ बाकी मैं डीएसएलआर से क्लिक करता हूँ मैं वैसे वेडिंग फोटोग्राफी प्रोजेक्ट फैशन ये सब करता हूँ लेकिन मेरी एक जो पहचान बन चुकी है वो स्क्रिक्ट फोटोग्राफी से बनी है कि लोग देखते हैं कि ये स्क्रिक्ट फोटोग्राफी करता है मैं स्क्रिक्ट फोटोग्राफी एक नशा सा बन चुका है मेरे लिए पता नहीं क्यों लेकिन मेरा हर वीक में एक दफा या दो दफा स्क्रिक फोटोग्राफी करना जरूरी है मुझे लोगों के फीलिंग्स कैप्चर करना इमोशंस कैप्चर करना ताकि मैं ये पिक्चर्स कैप्चर करूं मुझे कैप्शन में कुछ लिखने की जरूरत ना पड़े हर इंसान अपने अंदाजे से उसको एक कहानी दे बेशक इसमें कोई शक नहीं और आप जो है हाँ, जैसे आपने एक बात की आपके मतलब आपको लगता है कि इमोशनली आप जो हो इस चीज स्ट्रीट फोटोग्राफी से कनेक्टेड हो Uh, तो ये आपका ये आपका पैशन ये आपका पैशन हुआ कि भी चले तो वैसे अच्छा अभी थोड़ा सा हटके कम कम अच्छा बाकी पाकिस्तान के अंदर बलुचिस्तान साइड काफी किया है मैंने अच्छा। इस वक्त इस तरफ ट्रेवलिंग होती रहती है ज्यादातर अभी भी दिसंबर का प्लान है हमारे घूमने का अब देखते हैं अच्छा आजकल तो कोरोना वायरस छाया हुआ है वो तो ट्रैवलिंग के सारे प्रोग्राम जो है वो मैं, मेर, मेरा भी ये प्लान था कि मैं नवंबर में दुबई जाऊं लेकिन क्वारंटीन की वजह से ना मैं जा सका 14 डेज क्वारंटीन इन लंदन और 14 डेज क्वारंटीन इन अबू धाबी तो वो जो है प्रोग्राम कैंसिल हो गया

अ क्रेजी स्टार के नाम से uh, फिर हुआ ये कि मैंने कैमरा ले लिया कैनन का कैमरा लिया सेल्फी स्टिक ली सब कुछ लिया लेकिन मसला ये है कि जब भी आप uh, जो है जब रिकॉर्ड करना शुरू करते हो अपने आप को तो वो एक दफा में नहीं होता तो आपको पता नहीं कितने टेक्स लेने पड़ते हैं ये स्टार्ट तो, इस... तो बड़ा चैलेंजिंग है हां तो ये ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है इसके अलावा फिर अब

तो ये जो है मुझे यानी कि मेरे दोस्त ने कहा कि तुम आप बोल सकते हो तो बोलो इसलिए मैंने पॉडकास्ट का सिलसिला शुरू किया और मैं ये समझता हूँ कि ये मेरा पैशन है कि लोगों के साथ कनेक्ट होना जैसे कि अभी ये बहुत... मैं... जी, ये बहुत अच्छी आदत है इंसानों के साथ इंसान कनेक्ट रहता है जी और ये पॉडकास्ट तो मुझे भी काफी अच्छा लगता है लेकिन आजकल पाकिस्तान के अंदर इतना ज्यादा हो गया मैंने सब हर चीज कॉमन हो जाएगी तो मजा नहीं आएगा मैं अगर अपने चैनल से कुछ डिफरेंट दे रहा हूं तो शायद कोई बेहतरी आ जाए ये तो बात आपकी बिल्कुल सही है मार्केट में तो हर चीज होती जाती है लेकिन अगेन ये बात आती है कि अगर हम अपने दो आई बॉल लें दो आई बॉल और जो है वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो 7.7 बिलियन है बहुत ज्यादा है अगर उनमें से आपको अगर एक लाख भी देख लेते हैं एक लाख आपके व्यूज बन जाते हैं, मैं तो तो एक बात कर रहा हूं। तो still, there is a chance there. लेकिन यही है कि yeah. still you have to be consistent. मैंने जो initially ये चैनल शुरू किया था, ये मैंने मे में किया था तो शायद मुझे पांच या दस व्यू आए होंगे पहला मैंने पॉडकास्ट किया तो मुझे तीन मतलब यही के सौ यही एक महीने के करीब व्यू आए मैंने कहा नो no प्रॉब्लम तो मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया और अब मैं इंस्टाग्राम के थ्रू कई लोगों से ज्यादा कनेक्ट हो रहा हूँ मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आप जैसे भाई हैं या कोई और है जो यानी कनेक्ट होना चाहता है यानी हैव 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 अ वांट टू कन्वर्सेशन आई डोंट एनी प्रॉब्लम बहुत अच्छी चीज है ये हाँ तो ये ये एक <laughs> चीज है तो मैं आपको बेसिकली हुआ ये कि मैं देख रहा था इंस्टाग्राम पे मैं आ, सर्च कर रहा था तो अनीता बलोच मुझे नजर आई वो भी एक व्लॉगर है जो बलोचिस्तान में जी, जी. करती है। तो फिर करते करते चिराग बलोच का मैंने देखा था उनका जो है जूम पे था उनका, उनका मेरे ख्याल से कैफी बलोच कैफी बलोच भी काफी मशहूर है तो मैंने कैफी बलोच को भी यही कहा था कि अगर आप फारग हो या आपके पास टाइम है ना बाद इनके पास टाइम नहीं होता क्योंकि वो डिफरेंट लोकेशन पे होते हैं फिर वहां पे बैठ के इंटरव्यू देना फिर मैं लंदन में हूँ वो पाकिस्तान में है फिर घंटों का फर्क तो ये सब चीजें काउंट करती हैं तो मैंने कहा चलो जब उनको टाइम मिलेगा जब उनको लगेगा कि यही राइट टाइम है तो इस पे वो कर लेंगे बिल्कुल बिल्कुल और आगे आपके नए प्रोजेक्ट्स क्या क्या करना चाहोगे आप या आप जो है नया प्रोजेक्ट आपका क्या होगा व्लॉगिंग में और फोटोग्राफी में मेरे फोटोग्राफी के अंदर मुझे अभी आगे मेरा प्लान यह है कि मैं अपने जो मेरे फोटोग्राफ्स हैं उनको इंटरनेशनली लिया ताकि लोगों तक भी मेरे प्रिंट आउट्स पहुंच सके और मेरे फ्रेम्स वगैरह ये मेरा एक प्लान चल रहा है ट्वेंटी फर्स्ट में और इसके अलावा यूट्यूब चैनल पर ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि मैं यूट्यूब चैनल पर बहुत कम ध्यान देता हूँ हद अच्छा। से ज्यादा कम अच्छा 20 डेज बाद या तो 15 डेज बाद एक वीडियो आती है अभी वरना स्टार्ट पे तो बड़ा जोश चढ़ता है अचानक कभी-कभार वीक में दो-दो वीडियोस में अपलोड कर देता हूँ वो तो होता है सबके साथ लेकिन ये है कि अगर आप आ, अच्छा आप ये गैरी वी को सर्च करना वो 180 डॉलर सेंस की एक स्ट्रेटजी है उसका मकसद ये है कि आप किसी भी शहर जस्ट ले लो कराची से शेरशाह ले लो ठीक है ना

वन डॉलर एटी सेंस बनता है तो उससे ये होता है कि आपके मजीद देखने वाले भी बढ़ेंगे तो अगर आपका YouTube का करना है तो वो वो भी हो जाएगा लेकिन देखो मैं मैं तो पंद्रह घंटे काम करता हूँ सही है आज भी मैं पंद्रह घंटे यही समझ लो बारह घंटे की शिफ्ट हुई एक घंटा आना जाना मैं बिल्कुल ही मेरे अंदर कोई दम नहीं है इस वक्त लेकिन मैंने अपने आप को पुश कर रहा हूँ सुबह से ही मैं अपने आप को पुश कर रहा हूँ मैंने पहले ये काफी अच्छी चीज है ये काफी अच्छी चीज है ठीक है दुबई दुबई में किया जो जिनसे म्यूजिशियन थे उनसे बात हुई फिर ये मारिपुर से, से उनको टाइम दिया दो बजे उनके साथ हुआ अभी नौ बजे मैं आपके साथ लगा हुआ लेकिन फिर भी इट्स नीड एनर्जी अगर मैं ही आऊं कि यार आज मैं रेस्ट करना है तो दिस इज माई पैशन एसोसिएट विद डिफरेंट पीपल यही चीज तो, स्टार्ट में मेरे अंदर भी होती थी और मैं भी हर किसी को रिकमेंड करूंगा कि एनर्जी ना खोएं स्टार्टअप में अगर तो, स्टार्टअप में एनर्जी खो दिया तो आगे कांटे बहुत चुभेंगे रास्ते में पता होता क्या है मोहम्मद भाई देखिए अब आपको इफेक्ट का हम लोगों को इफेक्ट का पता नहीं चलता नहीं। अगर लेस है कि ये किताब लिखी गई है कि अगर आपको किसी चीज में भी माहिर होना है तो आप जो है डॉक्टर एरिक्सन डॉक्टर एरिक्सन आए थे दस टेन थाउजेंड रूल्स के साथ आपको पता है ये? दस हजार घंटे आजकल तो कोई यहाँ पे तो खर्च नहीं करेगा एक घंटा नहीं करेगा तो दस हजार अपनी जगह पे है <laughs> तो उसके बाद ग्लेडवेल मेलकम ग्लेडवेल जो था उसने दोबारा इस, इस चीज पे समराइज किया उसके बाद फिर जॉफ कॉशमैन है मैं आपको ये किताब भेजूंगा जरूर इन ट्वेंटी आवर्स यू मकसद ये नहीं है कि आप अभी अगर हम लोगों को वेट लूज करना है हम स्ट्रेटी को फॉलो नहीं करते हम ये कहते हैं कि भी हम आज 12 जिम में जाएं और जिम में जाने के बाद जो है बस अब सात दिन के अंदर 12 घंटा लगा के एट पैक्स समारे निकल आए ऐसा कभी भी नहीं होता ऐसा कभी नहीं तो बिल्कुल हाँ तो उसी तरह से उसने मिसाल दी अगर आपने 40 मिनट लेने हैं चालीस मिनट लेने हैं तो वो एक महीने के अंदर आपका प्रोसेस है अगर आप बीस मिनट लेते हो तो मिनट फोकस करके कुछ नहीं करना distraction आपको नहीं करनी द्वेंटी आवर्स किसी भी चीज को सीखने के लिए यू विल बी गुड आप इस तरह हो कि आपको बेसिक आ जाएगा तो इसी तरह मैं भी यही फॉलो करता हूँ इसी चीज को मैं फॉलो करते करते आहिस्ता आहिस्ता जो है अब अब आ गया हूं कि भाई लाइन पे किसी से बात करूं मैं हालांकि मैं कोई क्वेश्चन अगर अभी मैंने कोई प्रिपेयर नहीं किया जो क्वेश्चन है आप इंस्पायर किस चीज से हुए ये सारी चीजें आती हैं देखो यही चीजें पूछते हैं भाई आपने यही आपकी जर्नी, जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई और दूसरी बात ये कि आप किससे इंस्पायर हुए और आप क्या गेयर अगर आप फोटोग्राफर हो तो आपके गेयर के बारे में यानी कि पूछेंगे कि आप क्या गेयर यूज करते हो तो इसी तरह से आज तो मैं आपसे बिल्कुल ही खुल के फ्रीक्वेंटली बात कर रहा हूँ मेरे पास कोई स्क्रिप्ट भी नहीं है कुछ नहीं है तो, तो इंस्पिरेशन से याद आया भी आपने बात की इंस्पिरेशन मेरा कौन है जी तो मैं इंस्पायर जो सबसे ज्यादा हुआ हूँ अपने लाइफ में वो मेरे बड़े भाई हैं जायद बलूच ही इज अ वेब डेवलपर तो मैं स्ट्रगलिंग में हार्ड वर्किंग में और अच्छे लहजे में इन्हीं से इंस्पायर हूँ हर चीज से और अगर मैं आज जहां हूं तो उन उन सब चीजों का क्रेडिट मेरे बड़े भाई को जाता है अगर वो ना होते लाइफ के अंदर तो शायद मैं ये सब चीज अचीव ना करता मैं मैं शायद मैं, मेरे लिए एक सक्सेस तो वो चीज है कि कोई मुझसे इंस्पायर होता है तो वो मेरे सक्सेस है कोई मेरी अचीवमेंट वो मेरी सक्सेस नहीं मेरे बड़ों की सक्सेस है और मेरे टीचर्स की सक्सेस है ये कामयाबी उनकी है ये कामयाबी मेरी नहीं है जितनी मैं अचीवमेंट कर रहा हूं अभी मेरी अचीवमेंट किसी में है कोई मुझसे इंस्पायर हो और वो इस फील्ड के अंदर आए और वो बेटर काम करे बेटर अर्न करे बेशक इसमें कोई शक नहीं कोई शक की बात नहीं इंसान सीखता है इंस्पायर होता है लोगों को रिस्पेक्ट करता है तभी यानी वो आगे बढ़ता है तो यही चीज तो ये आपको कहने की जरूरत नहीं है देखो आपका आईना जो है ना आपको जब देखता है मैन इन द मिरर कोई भी आपको देखे तो वो इन चीजों से पता लग जाता है जिस लहजे से आप किसी से बात करते हो जी जी. आपका बैठना उठना अपेरेंस तो so ये चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं आप अगर मुझे जैसे मुझे यानी आपके बात करने से ही मुझे अंदाजा हो गया था यार यू आर वेल एजुकेटेड आप पढ़े लिखे हैं और आपको हर चीज की सेंस है तो इसमें मैं किसी को डिमोनाइज नहीं कर रहा तो ये पता लग जाता है आ, हर एक बात के बात करने तरीके से तो लहजे तो वो चीजें उस, उसके अंदर पता चल जाता है उसमें कोई मुश्किल नहीं है तो ये तो हो गई आपकी आप, और अब जो है आप आपने ये कहा कि आप अपने लिए खुद के लिए काम करते हो यानी आपका अपना टाइम है या लोग आपको प्रोजेक्ट देते हैं किस तरह लोग मुझे प्रोजेक्ट देते हैं इंस्टाग्राम पे आते हैं सोशल मीडिया आजकल तो बहुत आम हो चुकी है अब शॉप वगैरह की जरूरत नहीं है किसी को वो तो है ही सोशल मीडिया में में सब चीजें क्लाइंट्स वगैरह उसी में आते हैं काम देखते हैं फेसबुक से देखते हैं तो आ जाते हैं कि ये करवाना है कभी कभार किसी को वीडियोस बनानी होती है वो यूट्यूब से आता है की अच्छा, हमारे को इस प्रोजेक्ट पे काम करना है तो ये सीन चलता रहता है तो सारे क्लाइंट्स इसी से आते हैं मेरे पास अच्छा ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपका ये सिलसिला चलता रहे तो आप आपसे एक बात पूछनी ये है कि आपने अगर एडवाइस देना है यंग जनरेशन को तो आप उनको क्या एडवाइस देंगे मेरा सजेशन यही है कि आप ईमानदारी से काम करें और सबसे पहले अपने आप को पहचानें कि आप हैं कौन क्योंकि जो इंसान अपने आप को नहीं पहचानता वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता कहते हैं ना जो अपने आप से मिलने मिल लेता है तो जमाना उनसे मिलने आती है तो दो चीजें अपने, अपने अपनी लाइफ में यकीन और सबर और ये दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं इंसान सबर उसी वक्त करता है जब उसको यकीन होता है और जब यकीन हो तो सबर का कोई तकाजा ही नहीं होता कोई एंड ही नहीं होता सबर का इंसान आखिर तक सबर करता रहता है तो यही अगर आप आ रहे हैं किसी फील्ड के अंदर किसी भी फील्ड के अंदर किसी से इंस्पायर होके तो ईमानदारी से काम करें सबसे पहले जिस काम में ईमानदारी होती है आप अपने काम को इज्जत देंगे अपने आप को इज्जत देंगे आने वाला वक्त आने वाला जमाना आपको इज्जत देगा रब कहता है ना कि मैं एक गली कोचे से एक ऐसे इंसान को इमाम बनाता हूँ जिसको पूरा जम, कोई नहीं जानता कि मैं उसको इमाम बनाता हूँ अपने फील्ड का फिर वो जहां हाथ रखता है वहीं से सिग्नेचर्स और डेफिनेशन लिख दी जाती है बेशक, तो ये छोटा सा जी। तो...

तो बस फोटोग्राफी को और बेहतर से बेहतर करना यही कोशिश है मेरी और स्पेशली यूट्यूब और वीडियोग्राफी पे ध्यान देना फिल्म मेकिंग पे वो अभी प्लान मेरा चल रहा है कि फिल्म मेकिंग का मैं कोर्स करूं वैसे मैंने अभी तक जितनी भी फोटोग्राफी में करता हुआ आ रहा हूँ एडिटिंग मैंने सिर्फ यूट्यूब से सीखा है कोई मैंने कोर्स नहीं किया कहीं से डिप्लोमा नहीं किया कुछ भी नहीं किया ये बहुत अच्छी बात है आपने भी इतना भी टाइम लगाया है अपने आप को खुद ग्राइंड करके आपने इतना अच्छा सीखा है मोहम्मद भाई प्लेजर आपसे बात करते हुए बहुत अच्छा लग, बहुत अच्छा लगा और इनशाला आपसे आगे भी बात होगी तो इन्शाल 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 मिलते हैं ब्रेक के